हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिनी मैथ्स। आज हम रीजनिंग का एक और टॉपिक कवर करेंगे जिसे बोलते हैं कैलेंडर। ओके, कैलेंडर में गाइज हम देखेंगे, यहाँ पे जैसे मैंने कैलेंडर लिया 2019 का। ओके गाइज, इससे काफी इजी क्वेश्चंस आते हैं लेकिन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं इसमें अभी आपको ट्रिक कैसे बताऊंगी, कुछ ही चीजें बस आपको लर्न करनी होगी। ओके, मैं आपको ऐसे ट्रिक बताऊंगी, आपको सारे क्वेश्चंस कैलेंडर के इजीली बनते जाएंगे। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे 2019 का कैलेंडर लिया है गाइज, इसमें क्या क्या दिख रहा है, हमें ईयर दिख रहा है पहले तो 2019। तो हम ईयर में देखेंगे ऑर्डिनरी ईयर क्या होता है, लीप ईयर क्या होता है। ओके, उसके बाद क्या ये जनवरी फरवरी क्या है, मंथ्स हैं। इधर वीक्स दिए हुए हैं, वीक्स हो गया, डेज हो गए, कौन सा डे है, मंडे ट्यूजडे वेंसडे है ना, ये डेज हो गए। एक्स्ट्रा डेज और ऑड डेज क्या होता है गाइज, ऑड डेज को ही हम एक्स्ट्रा डेज बोलते हैं। ये सब पढ़ेंगे हम इसमें, इन सब के बीच में रिलेशंस बना के हमें जो भी फाइंड करना होगा क्वेश्चन में वो सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। क्या बोल रहे हैं, वन वीक में हमारे पास कितने डेज होते हैं, 7 डेज। ओके, अब ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर मैंने बताया था कि हम ये पढ़ने वाले हैं। ऑर्डिनरी ईयर दैट मीन्स उसमें 365 डेज होते हैं, लीप ईयर दैट मीन्स उसमें 366 डेज होते हैं। गाइज दोनों में 52 वीक्स होते हैं, लेकिन ये वन ऑड डे और टू ऑड डे क्या है, वन ऑड डे और टू ऑड डे है अगर हम 365 को डिवाइड करते हैं 7 से, क्योंकि हमारे पास 7 डेज का वन वीक होता है। तो कितना आएगा, 7 5 35 1 5 7 2 14, कितना बचा हमारे पास, 1 रिमाइंडर। तो ये हो गया ऑर्डिनरी ईयर के लिए 1 ऑड डे। ओके, इन द सेम मैनर अगर मैं 366 को डिवाइड करती हूँ 7 से तो 52 वीक्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और हमें ऑड डे कितना मिलेगा, 2 ऑड डे मिलेगा। ओके, हमें मिल जाएगा 2 ऑड डेज। वही लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा डेज को हम बोलते हैं ऑड डेज, मतलब जो वीक में यूटिलाइज हो गया है, 7 दिन का एक वीक बनाने के लिए जो यूटिलाइज हो गए डेज वो तो हो गए, लेकिन उसके अलावा एक एक्स्ट्रा डेज, 2 एक्स्ट्रा डेज जो बच जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑड डेज। क्लियर है गाइज। और ये लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर तब होता है हमारे पास फरवरी का मंथ होता है ना, अगर 28 डेज है फरवरी में तो वो क्या होता है, ऑर्डिनरी ईयर होता है। ओके, और अगर 29 डेज है फरवरी में तो वो क्या होता है, लीप ईयर होता है। क्लियर है गाइज। अब हम ये देखें कि लीप ईयर हम पहचानेंगे कैसे, कोई सा ईयर है तो हमें लीप ईयर है ये पता कैसे चलेगा, अगर वो ईयर 4 से डिवाइड हुआ, नॉर्मल ईयर है तो गाइज। ओके, नॉर्मल ईयर मतलब मैं सेंचुरी ईयर्स और नॉर्मल ईयर की बात कर रही हूँ, अगर वो 4 से डिवाइड हुआ कंप्लीटली तो वो क्या होगा, लीप ईयर होगा। और कब लीप ईयर होगा, अगर ये सेंचुरीज और ईयर्स दिए हैं गाइस, सेंचुरीज मतलब शताब्दी। ओके, अगर शताब्दी दी हुई है कोई तो उसको डिवाइड होना चाहिए किससे, 4 से कंप्लीटली, तो वो क्या होगा, लीप ईयर होगा। ओके, तो लीप ईयर कैसे निकालेंगे, हमें पता चल गया, सपोज अगर मेरे पास है 2002 तो ये हमें चेक करना है लीप ईयर है या नहीं, ये शताब्दी तो है नहीं, 2002 है तो 2002 ईयर है मतलब नॉर्मल ईयर है, तो 4 से डिवाइड कर लो, 4 5 20, 0 0 0 2 2 आ गया हमारे पास, ये क्या आ गया, ये रिमाइंडर, तो ये क्या हुआ, हमें रिमाइंडर नहीं चाहिए, कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, तो 2002 लीप ईयर नहीं है गाइज। ओके, क्लियर है। इन द सेम बेसिस अगर आप इधर से देखें तो 400 लीप ईयर है, 800 है, 1200 है, 1600 है, 2000 है, ये सब क्या है, सेंचुरीज के लीप ईयर है जो कंप्लीटली 400 से डिवाइड होंगे गाइज। ओके, क्लियर है गाइज। ये है हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन। ओके, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, मंथ कोड लिखे हुए हैं, मंथ के कोड्स हैं। ओके, तो हमें ये लर्न करना है पहला, ठीक है, क्या है ये, मैं तो इसे 3-3 के पेयर में लर्न करती हूँ, 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5 ऐसे। ओके, आप फोन नंबर की तरह इसे लर्न कर सकते हैं जैसे भी। ओके, यहाँ पे संडे से स्टार्ट करते हैं हम अप टू सैटरडे, 7 डेज होते हैं वीक में, और संडे को हम हमेशा क्या लेंगे, 0 लेंगे। ओके, 0 देन 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके सैटरडे तक हम 6 तक आएंगे गाइज। ये हो गए डेज के कोड। ओके, ये हुआ डेज कोड, ये क्या हुआ, मंथ कोड, और अब ये क्या है, ईयर कोड। ओके गाइज, ईयर कोड आपको यहाँ पे 2000 से 2099 तक दिया, अगर आपको 21 सेंचुरी का अगर दे तो 2100 से 2199 तक दे तो गाइज, यहाँ पे आप एक पैटर्न देख रहे हैं क्या, 6 4 2 0 है, फिर से 6 आ गया, तो फिर से क्या आएगा, 4 2 0। तो अगर यहाँ पे 2200 का पूछा होता, 2300 का पूछा होता, तो आप लिख पाते राइट, 2299 तक के लिए, 2399 तक के लिए, है ना। तो हमें इसमें याद क्या करना है, 6 4 2 0 क्या है हमारे पास, ईयर कोड है, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, बस इतना याद रखिए, 16 सेंचुरी से,
16 सेंचुरी से स्टार्ट करें तो हमें ये ईयर कोड याद रखना है. ओके गाइज, तो ये तीन चीजें हो गई, ईयर कोड लर्न करना है, मंथ कोड लर्न कर रहे हैं. ये तो लर्न करने की जरूरत नहीं, बस इतना ध्यान रखना है कि संडे को हम जीरो कंसिडर करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू उसमें नंबरिंग करते जाएंगे. गाइज ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको हम यूज करेंगे. दिन मतलब डे, तारीख डेट, महीने का कोड ये मंथ का कोड जो हमारे पास है, शताब्दी का कोड मतलब ये वर्ष का कोड, ये ईयर वाला कोड. ओके, ईयर कोड सेंचुरी ईयर कोड बोलते हैं इसे. वर्ष सिर्फ भागफल, मतलब जो भी ईयर आपको दिया रहेगा, सपोज 2016 दिया है तो 16 लेंगे, उसको डिवाइड बाय 4 करेंगे, डिवाइड बाय 4 के बाद भागफल बोला है ना, ईयर डिवाइड बाय 4 और सिर्फ क्वेश्चन लिखना है हमें. तो 4 से डिवाइड, 4 4 16 और ये आंसर कितना आया 4, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे सिर्फ 4 और ईयर, ईयर यहाँ पे क्या 2016 तो सिर्फ 16 लिखेंगे. क्लियर गाइज, और इन सबको ऐड करेंगे और ऐड होने के बाद उसको क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे. जो भी हमारे पास रिमाइंडर आएगा इसका, इस डे का जो भी रिमाइंडर आएगा वो हमारा क्या होगा, हम उसको इस डे के अकॉर्डिंगली इवेल्युएट करके आंसर लिख देंगे. ओके गाइज, तो ये फॉर्मूला लर्न होना बहुत जरूरी है. ये गाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें मैंने मंथ कोड, ईयर कोड, डेज कोड और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये मैंने लिख दिया है. आप इसको स्क्रीनशॉट लेके इससे प्रिंट निकाल के कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं जहां आपको ये दिखते रहे और लर्न हो जाए, है ना गाइज. तो आप इसको करिए, हम अब इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन हिट करेंगे. ओके वेरी नाइस, हमें जो जो चीजों की जरूरत है वो हमने यहाँ पे लिख लिया है और अब आते हैं हम किस पे, क्वेश्चन पे. ओके तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट वाज द डे ऑफ अ वीक ऑन 17 जून 1998 को कौन सा डे होगा, है ना. तो चलिए वो फाइंड आउट करते हैं. पहले हमें क्या चाहिए, डेट. डेट कितना हमारे पास 17. फिर क्या चाहिए, मंथ का कोड जून. जून में मंथ का कोड कितना होता है 4. इन सबको ऐड करना है गाइस, है ना. फिर क्या, ईयर कोड. ईयर ये 19 सेंचुरी का है तो ईयर कोड 19 सेंचुरी के लिए क्या है 0. क्वोशेंट ऑफ द ईयर डिवाइड बाय 4. तो ईयर कितना हमारे पास 98, उसका हमें क्वोशेंट लेना है जब हम उसको डिवाइड बाय 4 करें. तो 4 2 8 करेक्ट है, 4 4 16 और ये 2 बचा, तो हमारे पास क्वोशेंट कितना आ गया 24 आ गया गाइस. कोई डाउट नहीं है यहाँ पे, है ना, कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए गाइस. ओके तो अब उसके बाद ये कितना लिखना है यहाँ पे, ईयर लिखना है. तो चलिए हम ईयर भी लिख दिए. अब इन सबको अगर हम ऐड कर दिए तो ये कितना मिल जाएगा 3 एंड दिस इज 4 143 मिल जाएगा. ओके लास्टली ये हमने सिर्फ ऐड किया है, अब बचा क्या है 143 डिवाइड बाय 7 भी तो करना बचा है ना, 7 भी डिवाइड करना है. तो डिवाइड करें अगर हम 7 से, 143 डिवाइड बाय 7 कर लेते हैं, 7 2 14 बचा कितना 3. 3 बचा 3 इज अ रिमाइंडर. हम क्या बोले थे कि जब हमारा ये कंप्लीट आंसर आ जाएगा तो उसका जो रिमाइंडर होगा उसी के बेसिस पे हम क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे. हमारा आंसर कितना आ गया 3 आ गया. और डे कौन सा होता है 3 पे, 1 2 3 3 पे होता है कौन सा, वेंसडे. तो हमारा आंसर कौन सा होगा, आंसर नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर इज वेंसडे. क्लियर है गाइस. अब हम इसी को फास्ट करेंगे और दूसरे क्वेश्चंस भी देखेंगे. ओके वैसे एक पैटर्न पे एक ही क्वेश्चन लेंगे वरना वीडियो काफी लंबा हो जाएगा. एक और देख लेते हैं, 28 सितंबर 1992. ओके ये वाला हम देख लेते हैं, किसी का डेट ऑफ बर्थ है ये. ओके तो ये इस दिन हमारा कौन सा डे पड़ेगा देखते हैं. ओके तो हमें क्या चाहिए, पहले डेट. मंथ सितंबर का कोड कितना है हमारे पास 5. 19 का ईयर कितना है 0. 92 को 4 से डिवाइड करो तो हमें क्वेश्चन क्या मिलेगा 92. तो 4 2 8 1 2 4 4 4 3 12. रिमाइंडर कुछ नहीं मिला लेकिन हमको काम किससे है, क्वेश्चन से 23. और फिर लास्टली क्या ऐड करना हमें, ईयर. गाइस टोटल 5 चीजें ऐड करनी होती है हमें, है ना. तो फिर अब चलिए हम इसे ऐड करना स्टार्ट करते हैं. क्या करें, 28 + 5 = 33 + 23 = 56 + 92 = 148. अब 148 है, 148 को अभी 7 से डिवाइड करना भी बचा है तो 148 डिवाइड बाय 7, 7 2 = 14, 8 7 1 = 7, बचा कितना रिमाइंडर 1 रिमाइंडर बचा. और 1 किसके लिए आंसर है, 1 है मंडे के लिए. तो इस दिन कौन सा वार था, कौन सा डे था इस दिन, इस दिन था मंडे. ओके गाइस ऐसे ही क्वेश्चंस करेंगे हम. चलिए अब दूसरे पैटर्न्स के, अलग अलग पैटर्न्स के हम क्वेश्चन देखेंगे. टोटल 10 क्वेश्चन करेंगे इसलिए तुरंत तुरंत फास्ट भागेंगे हम. ओके गाइस ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टुडे इज मंडे, आफ्टर 61 डेज इट विल बी.
कौन सा डे होगा 61 डेज के बाद. गाइज ऐसे टाइम पे लोग क्या करते हैं, आज का डेट जैसे 29 मार्च 2019 है ना, तो आज के दिन को वो मंडे कंसिडर करके करने लग जाते हैं. गाइज ऐसे करेंगे तो कभी आंसर नहीं आने वाला है. ओके तो क्या करना है हमें, हमें कितना क्या पता है कि हर वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं, तो हम वीक वाइज चलेंगे. ओके तो जो भी हमें गिवन रहेगा उसको हम क्या करेंगे, 61 गिवन है तो 61 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे, और जो भी हमें रिमाइंडर मिलेगा उसके बाद मंडे के बाद हम वो डेज काउंट करेंगे. अगर जीरो रिमाइंडर मिलता है तो हमें आंसर जो रहेगा 61 डेज के बाद भी क्या होगा, मंडे होगा. अगर उसके बाद ऐड होता जाएगा तो चलिए इसको काउंट कर लेते हैं. ओके 61 को डिवाइड किया 7 से तो 7 8 56 होता है. ओके तो ये कैरी किया यहाँ पे 5 हमारे पास क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया. 5 रिमाइंडर बच गया मतलब क्या करना है हमको, ये रिमाइंडर है. ओके तो मंडे के बाद से, दिस इज मंडे, मंडे था वो दिन, अब मंडे के बाद से काउंट करो, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे होता है, लेकिन 5 काउंट करना है ना, तो 1 2 3 4 5. फिफ्थ डे क्या मिल रहा है हमें, सैटरडे, मतलब आंसर नंबर बी इज योर आंसर. ये 5 है तो 5 काउंट कर लो मंडे के बाद से, उंगलियों में काउंट कर लो, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे. 5वें दिन में हमको क्या मिल रहा है, सैटरडे, तो सैटरडे हमारा क्या है आंसर है गाइस. क्लियर है, तो इजी था ये, इसमें कोई फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, बस 7 से डिवाइड करें, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि वीक वाइज जाना पड़ेगा हमें, है ना. तो कुछ दिन के बाद आफ्टर 7 डेज फिर से मंडे आ जाता, फिर 7 डेज फिर से मंडे आ जाता, ऐसे चलता रहता है ना. चलिए तो दूसरा पैटर्न देखते हैं हम. अब आएगा हमारा ऑड डेज का कंसेप्ट. ओके तो अब हम क्या कैसे करेंगे ये देखते हैं. क्या बोल रहा है, 1 जनवरी 2006 को क्या था, संडे था. अब पूछ रहा है 1 जनवरी 2010 को कौन सा डे है. गाइज अगर डेट सेम हो ना हमारे पास, तो ईयर्स अगर चेंज है तो ईयर्स में हम देखेंगे ऑड डेज के बारे में. तो पहले तो देखो 2006 जो है वो लीप ईयर तो नहीं है ना, क्योंकि हमारे पास फरवरी का मंथ इंक्लूड हो रहा है, जनवरी टू जनवरी है ना. तो ये चेक करेंगे लीप ईयर है क्या यहाँ पे, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 20, ये कैंसिल हुआ, ये 0 0 जा, और ये फिर कितना बचेगा 6, तो 4 1 4 बचा कितना 2, मतलब 2006 क्या है, लीप ईयर हमारा नहीं है, है ना. लीप ईयर नहीं है मतलब क्या होगा, हमारा 2010 तक पहुंचने के लिए कितना है, 2006 2007 2008 2009 और 2010, ऐसा है हमारे पास, है ना, ईयर्स. तो 2006 में लीप ईयर नहीं है, ये ऑर्डिनरी ईयर है, तो 1 odd day होगा, फिर से क्या होगा, 1 odd day होगा. अब 2008 देख लो, ये 4 से डिवाइड हो रहा है क्या गाइस, 5 20 0 का 0 जा कैंसिल हो जाएगा, फिर 8 4 2 8 भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये लीप ईयर. और लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, लीप ईयर में 2 odd days होते हैं, फिर अराउंड 1 and 1. ओके तो ये ऐसे होगा, हमें पता है कि एवरी 4 ईयर्स आता. अगर आपको 2012 तक आना पड़ता 11, तो फिर से 1 होता, फिर 2012 आना पड़ता तो यहाँ पे 2 होता, क्योंकि ये 1 2 3 और ये चौथे साल में, चौथे साल में क्या होगा, ये हमारा फिर से लीप ईयर हो जाता है ना. लेकिन हमें कितना साल तक का चाहिए, हमें चाहिए 2010 तक का. ओके तो हम ये 2011 तक का हटा देते हैं, क्लियर है. तो इतना हमें चाहिए, तो ये ऑड डेज हो गए हमारे पास, कितना हो गया. अब 2010 वाला इंक्लूड करें कि नहीं करें, ऑड डे तो करना ही पड़ेगा हमें, है ना. तो देख लेते हैं, यहाँ पे जनवरी 1 तक के बोला है, फरवरी तो इसमें इंक्लूड ही नहीं हो रहा है ना 10 का, तो इसलिए ये वाला 1 इंक्लूड ही नहीं होगा. तो बचा क्या हमारे पास ऑड डे, 1 2 3 4 5, 5 ऑड डेज हो गए, है ना. 5 ऑड डेज हो गए मतलब अब हम क्या करें, ये संडे दिया था इसपे, तो संडे के बाद से 5 काउंट कर दो, ठीक है. तो मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, तो आंसर नंबर सी इज अवर आंसर. 5 डेज अगर हम काउंट कर लिए फिंगर्स पे, तो आंसर नंबर सी इज अवर आंसर, आंसर इज फ्राइडे. ओके तो मतलब 1 जनवरी 2010 को हमें क्या मिलेगा, फ्राइडे मिलेगा. क्लियर है गाइस, पहले जैसे ही वाला क्वेश्चन है, लेकिन अब ये क्या बोल रहा है, प्रीवियस जाना है ना, पहले जाना है. तो जो भी ऑड डेज हमारे पास मिलेंगे ना, उसको हम प्रीवियस वे में चले जाएंगे. ओके क्या बोल रहा है, 6 मार्च 2005 और 2004, मतलब पिछला जाना है ना. 2005 में कितना था हमारे पास, मंडे था, मार्च का है गाइस ये, याद रखिए. ओके मार्च है मतलब फरवरी इंक्लूड नहीं, सॉरी मार्च है और 4 का 2004 का भी मार्च बोल रहा है, 5 का फरवरी इंक्लूड हुआ है लेकिन 4 का फरवरी इंक्लूड नहीं हुआ है गाइस, क्योंकि ये 2004 मार्च के बाद से हमारा देखना है ना. तो हमारे पास मार्च का ऑड डे काउंट नहीं होगा,
2004 मार्च का, हमारे पास काउंट होगा 2005 का फरवरी का ऑड डे काउंट होगा, है ना। और 2005 क्या है, ऑर्डिनरी ईयर है, वो लीप ईयर नहीं है, है ना। तो ऑड डे कितने होंगे उसके पास, वन ऑड डे होगा। तो क्या दिया है, मंडे दिया है, तो वन ऑड डे है, तो वन डे माइनस कर दो, एक माइनस कर देंगे, पिछला चले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, संडे आ जाएगा। मंडे से पहले क्या आता है, संडे आता है गाइस, है ना। तो हम पिछले जा रहे हैं इसलिए हम ये पिछले गए। अगर ये आगे का होता, 2006 होता, तो एक आगे जाते और ट्यूसडे आंसर लिखते, है ना। लेकिन ये पीछे का 2004 का पूछ रहे हैं इसलिए हम पीछे जा रहे हैं और एक पीछे का लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं हम, संडे। आंसर ऑप्शन नंबर ए, ए इज अवर आंसर, आंसर इज संडे। क्लियर है गाइस। थोड़ा ध्यान से देखिए क्या बोल रहे हैं, ऑन व्हाट डेट्स ऑफ अप्रैल 2001 विद वेडनेसडे फॉल, वेंसडे कब कब आएगा अप्रैल 2001 के कैलेंडर में, है ना। तो हम क्या करें, सबसे पहले फर्स्ट अप्रैल 2001 में कौन सा डे था ये फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमें तो पता है कि कैसे फाइंड आउट करना है, पहले डेट लिख देते हैं, डेट क्या है 01, अप्रैल का कोड क्या है 6 है, वो भी लिख दिया मंथ कोड, ईयर कोड क्या है भाई इसमें 2000 का है तो फिर से क्या आएगा 6 आएगा, क्वेश्चन ईयर क्या है 01 है, 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें 0 मिलेगा क्वेश्चन, तो 0 आ गया क्वेश्चन, और ईयर क्या है हमारे पास, ईयर है 01, क्लियर है। ऐड कर लो 6 12 13 एंड 14, अब ये 14 को डिवाइड बाय 7, 14 टू जा सॉरी 7 टू जा 14, रिमाइंडर कितना मिल गया हमें 0, और 0 किसके लिए होता है, 0 होता है संडे के लिए। तो हमें क्या पता चल गया कि 1 अप्रैल को हमारा क्या था, 1 अप्रैल को हमारे पास था संडे। अब 1 अप्रैल को संडे था तो हमें क्या पूछा है, वेंसडे के लिए पूछा है हमें, तो है ना। तो 1 अप्रैल को अगर संडे था तो 2 अप्रैल को क्या होगा, मंडे, ट्यूसडे होगा 3 को, और 4 को क्या होगा, वेंसडे, 4 अप्रैल को वेंसडे होगा, और फिर 4 के बाद फिर 7 ऐड कर दो, 11 को होगा, फिर 18 को होगा, फिर 25 को होगा। ऑप्शन में है क्या हमारे पास ऐसा कुछ, ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास, है ना। ऑप्शन नंबर डी इज अवर आंसर गाइस, 4, 11, 18 एंड 25th आर द वेंसडे ऑफ कैलेंडर अप्रैल 2001। क्लियर है गाइस। गाइस ये क्वेश्चन दिख तो बहुत ही खराब रहा है, लेकिन इसका सलूशन अगर आप मैं करूंगी तो आप सबको हंसी आएगी कि इतना सा था क्या ये। क्या बोल रहा है, हाउ मेनी डेज आर देयर इन एक्स वीक्स एंड एक्स डेज, x weeks and x days में कितने days हैं, days कितने हैं पूछा है ना, how many days पूछा है, okay। तो guys x weeks, x रहने दो, और weeks में कितने day होते हैं, 7 होते हैं, और फिर और कितना बोला हुआ है, x days बोला हुआ है, तो ये कितना हो गया, 7x plus x कितना हो जाएगा ये, 8x, clear है guys, ये आपका answer है, answer number b is our आंसर गाइस, क्योंकि हमें वीक को पहले किस में कन्वर्ट करना था, डे पे कन्वर्ट करना था, तभी तो वो 7x हो पाता, 7 डेज होते हैं एक वीक में, इसलिए हमें उसे 7x करना पड़ा। इजी था गाइस, वेरी इजी, लेकिन देखने में ही कंफ्यूजिंग था, इसलिए लोग इसको छोड़ देते हैं, ओके गाइस। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये थोड़े ट्रिकी बेसिस पे होते हैं, ओके। तो जैसे मैंने बताया कि ऑर्डिनरी ईयर लीप ईयर में वन ऑड डे टू ऑड डेज होते हैं, उसी के बेसिस पे होगा। अब क्या बोल रहे हैं, द कैलेंडर ऑफ द ईयर 2007 विल बी द सेम फॉर विच ईयर, इनमें से कौन से ईयर के लिए कैलेंडर जो है वो क्या होगा, सेम होगा, ओके। तो कौन से ईयर के लिए होगा हमें निकालना पड़ेगा, तो 2007, 2008, 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, जितना भी कंटिन्यू करेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखने के लिए क्या है कि 2007 क्या है, नॉन लीप ईयर, लीप ईयर नहीं है, राइट, ओके। तो 2008 लीप ईयर है कि नहीं ये देखते हैं, 4 से डिवाइड करें, 4 5 जा 20, ओके 0 एंड 8 लीप ईयर है, तो कितना आएगा इसका, 2 और डे, फिर से 1, फिर से 1, फिर से 1, फिर से 2, 1 1 1 अगेन 2, ओके। कहां तक के ऑप्शन दिया हमको, ऑप्शन नंबर 18 तक के दिया है ना, तो हम 18 तक के लिख लेते हैं, सिर्फ लिख रहे हैं हम, हमें पता नहीं है कि कौन सा आंसर है, ओके। फिर से क्या आएगा, 1 और 1 आएगा। अब हम क्या करें, ऐसा ऑड डे, ऑड डेज ही है ये सारे, है ना, हमें तो वीक बनाना होता है, वीक बन गया तो ठीक है, हमारा वही सेम क्या होगा, कैलेंडर होगा। अब जैसे ये 1 प्लस 2 3 4 5 6 6 तक हुआ, अगर यहाँ पे 1 होता तो ये एक वीक बन जाता है ना, लेकिन यहाँ 1 नहीं, यहाँ 2 है, तो ये मिलके कितना हो गया हमारे पास, 8 हो गया, मतलब ये सेम कैलेंडर नहीं हो सकता है ना, 8 दिन हो गए, 9, 10, 11, 12, 13 और 14,
मतलब 2017 में कितने डेज आ गए, हमारे पास 17 डेज आ गए. गाइज हमें 7 का मल्टीपल चाहिए यहाँ पे. क्यों चाहिए? ताकि वो वीक बन सके. 1 वीक में 7 डेज होते हैं, है ना गाइज? तो वो वीक बन जाएगा अगर, तो फिर वो क्या हो जाएगा, 0 odd days देगा. 0 odd days देगा तो वो इसी कैलेंडर के अकॉर्डिंगली सेम रहेगा. ओके गाइज, तो ये क्या होगा, 7 यहाँ पे मिला नहीं हमें. 6 के बाद सीधा कितना, 2 ऐड हो गया, तो कितना मिल गया, 8 मिल गया, तो 7 वाला तो नहीं मिला. लेकिन यहाँ पे 2017 में हमको क्या मिल रहा है, 14 मिल रहा है. 14 को हम अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 × 2 = 14 होता है, और रिमाइंडर हमें 0 भी मिलता है. तो रिमाइंडर 0 मिल गया, दैट मीन्स 2017 इज अवर आंसर, कि 2017 में हमारा जो कैलेंडर है वो 2007 के जैसे ही रहेगा, सेम. क्लियर है गाइस? क्या बोल रहे हैं, द लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी कैन नॉट बी, इनमें से कौन सा सेंचुरी का लास्ट डे नहीं हो सकता. तो उसके लिए हमें क्या जानना चाहिए, 1 सेंचुरी में, 1 सेंचुरी मतलब 100 ईयर्स में, 1 सेंचुरी वही होता है, उसमें कितने ऑड डेज होते हैं, उसमें होते हैं 5 ऑड डेज. ओके, फर्स्ट सेंचुरी में 5 ऑड डेज होते हैं, फिर 200 ईयर्स में होता है 3 ऑड डेज. दैट मीन्स क्या आता है, 3 ऑड डेज मतलब, 5 ऑड डेज मतलब क्या आता है, फ्राइडे. ओके, 3 ऑड डेज मतलब क्या आता है, 3 ऑड डेज मतलब आता है वेंसडे. ओके, 300 ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं, 1 ऑड डे होता है. कितने ऑड डेज होते हैं, 1 ऑड डे होता है, दैट मीन्स क्या आता है, मंडे. और 400 ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं, 0 ऑड डेज होते हैं. दैट मीन्स वो कौन सा डे पड़ता है हमारे लिए, हमारे लिए वो पड़ता है संडे. ओके, तो ये या तो आप लर्न कर लीजिए, या तो फिर मैं बता देती हूँ कि 100 में कितने, क्यों ऐसा होता है कि 5 ऑड डेज हम लिखे हैं करके. ओके, तो चलिए ये तो लर्न कर लीजिए. अब इसके बाद जो 500 आएगा, फिर 600 आएगा, ये सारे का इस क्या होते हैं, फिर रिपीट होते हैं. ओके, रिपीट होते हैं ये सब, फ्राइडे वेंसडे मंडे एंड संडे. तो या तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि फ्राइडे वेंसडे मंडे संडे जो है वो सेंचुरी का लास्ट डे नहीं हो सकता, ठीक है. या तो आप ये याद कर लीजिए कि इतने ऑड डेज होते हैं इन सेंचुरीज में, ठीक है. तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ से क्या देखने मिल रहा है हमें, यहाँ से देखने मिल रहा है कि फ्राइडे तो है ना, वेंसडे भी है और मंडे भी है, क्या नहीं है, ट्यूजडे नहीं है. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी इज योर आंसर, ट्यूजडे इज नॉट द लास्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी. क्लियर है गाइस? अब मैं ये बता देती हूँ, आपको क्लियर कर देती हूँ कि ये कैसे इसको हम चेक कर रहे हैं कि इसमें 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज होंगे. 100 ईयर्स में 24 ईयर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, लीप ईयर होते हैं. क्या ईयर होते हैं, लीप ईयर. और बच्चे 76 ईयर्स जो होते हैं वो होते हैं ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है. तो हमें क्या पता है, लीप ईयर में, 1 लीप ईयर में, लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, 2 ऑड डेज. तो 24 लीप ईयर में कितने ऑड डेज हो जाएंगे हमारे पास, 24 × 2, दैट मींस 48 ऑड डेज हो जाएंगे. 1 ऑर्डिनरी ईयर में हमें पता है कितने ऑड डे होते हैं, 1 ऑड डे होता है, 1 ऑड डे होता है. तो 76 ऑर्डिनरी ईयर में कितने हो जाएंगे, 76 × 1, दैट मींस 76. टोटल ऑड डेज हमें कितने मिल जाएंगे, 124. अब 124 मिल गया, तो अब हम इसे वीक में कन्वर्ट कर लें बचे हुए ऑड डेज बताने के लिए, है ना. वीक में कन्वर्ट कर ले तो 7 × 1 = 7, बचा 5 और 4, 7 × 7 = 49. ओके, बच कितना गया यहाँ पे, 5. तो ये जो 5 हुआ, यही क्या है, 5 ऑड डे है. ओके, जो हमने निकाला था ना कि हमारे पास इतने ईयर्स हैं, तो इतने ईयर्स में 5 ऑड डेज हुए, ठीक है, ये निकाला है. अब अगर वैसे ही मैं 200 के लिए देखूं, 200 ईयर्स के लिए, तो 200 को मैं लिख सकती हूँ 100 × 2, और 100 में कितने ऑड डेज होते हैं, 5. तो 5 × 2 = 10 ऑड डेज मिल गए मेरे को. क्लियर है, 10 ऑड डेज मिल गए, 5 × 2 = 10 हो गए, 10 ऑड डेज. तो अब 10 ऑड डेज में से एक वीक तो निकल ही जाएगा बस, 7 × 1 = 7, और बच गया 3. तो कितने ऑड डेज हो गए, 3 ऑड डेज हो गए. कितने हो गए, 3 ऑड डेज, है ना. तो क्या हो गया, 3 ऑड डेज मतलब क्या हो जाता है, 3 मतलब क्या हो जाता है, वेंसडे. 5 मतलब क्या हो जाता है, फ्राइडे. इसी के बेसिस पे 300 ईयर्स, 500 ईयर्स, 400 ईयर्स का आप निकाल सकते हैं.
ओके गाइज, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाइज ये लास्ट क्वेश्चन ले रही हूँ मैं, कैलेंडर के ऑलमोस्ट सारे पैटर्न्स मैंने कवर कर दिया है, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे। आप प्रैक्टिस करिए तो ये फॉर्मूला भी आपको लर्न करके रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गाइज हमें डेट चाहिए, मंथ कोड चाहिए, ईयर कोड चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, फोर से डिवाइड करने के बाद फिर ईयर चाहिए, और उन सबको डिवाइड किससे करना है, सेवन से, ताकि हमें फिर क्या मिल सके, ऑड डेज मिल सके। और डेज के बेसिस पे हम क्या करते हैं, ये सब निकालते हैं, डेज निकालते हैं, है ना गाइस। तो चलिए अब ये क्या लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम कैलेंडर का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीप ईयर, इनमें से कौन सा लीप ईयर नहीं है। तो मैंने क्या बताया, लीप ईयर देखने के लिए हमें क्या करना होता है, या तो 4 से डिवाइड करना होता है या तो फिर 400 से डिवाइड करना होता है। ये नॉर्मल ईयर के लिए होता है, मतलब ऑर्डिनरी ईयर के लिए, ऑर्डिनरी ईयर नहीं लिखते हम, लीप ईयर के साथ लिखते हैं, है ना। तो ये नॉर्मल ईयर लिख देते हैं, नॉर्मल ईयर को हम किससे डिवाइड करते हैं, 4 से, और ये होता है सेंचुरी वाला ईयर, सेंचुरी ईयर वाले को हम किससे डिवाइड करते हैं, 400 से। यहाँ पे सारे सेंचुरीज में दिख रहे हैं, है ना, सब सेंचुरीज में दिख रहे हैं, तो मतलब हमको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 700 जो भी 400 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा वो हमारा क्या होगा, लीप ईयर होगा। क्लियर है गाइस। तो 700 को 400 से डिवाइड करते हैं, 00 गेट कैंसिल, कितना बच गया, 7/4, तो डिवाइड कर लेते हैं, 4 × 1 = 4, बच कितना गया, 3 और बच रहा है, मतलब हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है 3, दैट मीन 700 के लीप ईयर नहीं है। और हमें क्या पूछा, नॉट अ लीप ईयर, मतलब ये लीप ईयर नहीं है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, जो नहीं है। बाकी सबको हम चेक कर लेते हैं कि वो लीप ईयर है या नहीं है। तो अगर मैं 800 को 400 से डिवाइड करूं तो 00 गेट कैंसिल, 4 × 1 = 4, 2 था, 2 बच गया सिर्फ, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, तो ये लीप ईयर है। ओके, 1200 को भी डिवाइड कर लो 400 से, 00 गेट कैंसिल, 4 × 1 = 4, 3 था, है। अब 2000 को डिवाइड कर लो 400 से, 00 गेट कैंसिल, 4 × 1 = 4, 5 था, आंसर इज 5। बाकी ये तीनों जो है वो क्या है, वो लीप ईयर है, और ये जो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा आंसर है वो की क्या है, लीप ईयर नहीं है। गाइज अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे न्यू वीडियोस अपलोड करती रहूंगी। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट करिए, मैं उस पर भी जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड करूंगी ही करूंगी। ओके गाइज, और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले गाइज, ताकि आपको मेरे न्यू अपडेट्स टाइम टू टाइम पे मिलते रहे। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।